हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूर्य नगरी में बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहावना, आसमान पर छाए बादल, शहर वासियों को तेज बारिश का इंतजार। सूर्य नगरी में आज सुबह आसमान से गिरी राहत के साथ हुई। आज सुबह शहर में रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि धूप निकलने के बाद उमस ने जोर पकड़ लिया। शहर में आसमान पर आज सवेरे से ही बादल छाए रहे। यहाँ दिन में कई बार बौछारें गिरी, कुछ इलाकों में तेज गति से बौछारें गिरी तो कहीं पर बूंदाबांदी होकर बंद हो गई। शहरवासी झमाझम बारिश के लिए आसमान की ओर तकते नजर आए। बौछारों से सड़कें भीग गईं और मौसम सुहाना हो गया। बूंदाबांदी के बाद गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन उमस ने परेशान किए रखा। मौसम विभाग ने अब एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल के निचले स्तर में मानसूनी हवाओं और ऊपरी स्तर में पश्चिमी विक्षोभ के आपस में इंटरकनेक्शन के कारण अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। कमजोर पड़े मानसून की आशंका के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों में छिटपुट बारिश के आसार है। पश्चिमी राजस्थान के चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बीकानेर जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर कोई सिस्टम बनता है तो 23 जुलाई के बाद फिर से प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।